हम शपथ लेते हैं कि रणभूमि से यदि हम लौटे तो अर्जुन वध के पश्चात लौटेंगे, और यदि हम अर्जुन वध न कर पाए तो फिर हमारे शव आएंगे। अर्जुन, बेनाम सैनिकों से क्या युद्ध कर रहे हो तुम? युद्ध करना हो तो हमसे करो, क्योंकि आज हम दोनों भाई प्रतिज्ञा करके आए हैं, या तो तुम हमारे शव देखोगे या हम तुम्हारे शव को प्रणाम करेंगे। दिगंधराज, ये चुनौती नहीं अनुज, ये गुरु श्रेष्ठ की युद्ध नीति है। किंतु वो मुझे ललकार रहे हैं मजे भैया। तो तुम भी उन दोनों की ललकार न सुनो। गुरु द्रोण तो इसी अवसर की ताक में है। ये दोनों तो तुम्हें पीठ दिखाकर भागने के लिए ललकार रहे हैं। यही तो युद्ध नीति है कि तुम इनका पीछा करते करते दूर निकल जाओ, फिर गुरु द्रोण बड़े भैया को बंदी बनाने के लिए आक्रमण कर सकते। आपके होते हुए बड़े भैया को कौन छू सकता है मजे भैया? मैं सारी कौरव सेना को रोक सकता हूँ अनुज, किंतु गुरु द्रोण मेरे रोके नहीं रुकेंगे। अर्जुन, तुम कैसे गांडीवधारी हो कि ललकार सुनकर भी आगे नहीं बढ़ते? अरे फेंक दो ये गांडीव। दिगंत नरेश, मुझे अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने दीजिए मजे भैया। वो मुझसे गांडीव रखने को कह रहा है, और मैं वचनबद्ध हूं कि जो मुझसे गांडीव रखने को कहेगा, महादेव की सौगंध, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रथ आगे ले चलिए केशव। अर्जुन, अर्जुन,
गुरुदेव, वे दोनों त्रिगर्त भाई अर्जुन को यूं बहाए लिए जा रहे हैं जैसे नदी का बहाव नाव को बहा कर ले जाता है। गुरुदेव, अब आक्रमण में विलंब क्यों? अर्जुन अभी इतनी दूर नहीं गया है कि लौटकर युधिष्ठिर की रक्षा के लिए आ न सके। वो दोनों मूर्ख भाग तक क्यों नहीं, युद्ध क्यों कर रहे हैं? वे दोनों वीर हैं दुशासन, वीर गति को प्राप्त होने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। वे भाग नहीं रहे हैं, अर्जुन के बाणों के बौछार के सामने उनसे ठहरा नहीं जा रहा है। और ये भी ना भूलो दुशासन कि जिस धनुर्धर का वे सामना कर रहे हैं उसने स्वयं आचार्य के रथ को पीछे हटा दिया था। रणनीति का खेल तो खेल रहे हैं हम लोग, वे दोनों तो युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन तो बहुत दूर निकल गया प्रिय भीम। आप चिंता ना कीजिए प्रातःश्री। चिंता कैसे ना करूं अनुज, चिंता मुझे अपनी सुरक्षा की नहीं है, किंतु यदि मैं बंदी बना लिया गया तो युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि युद्ध का बंदी दास होता है और दास को कोई अधिकार नहीं होता। अर्जुन भैया के ना होने का तात्पर्य क्या यह है कि हम सब मिलकर भी आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते बड़े भैया? अर्जुन के अतिरिक्त गुरु द्रोण को कोई नहीं रोक सकता प्रिय नकुल।
Get out of here!